यातायात नियमों को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मायरा फाउंडेशन ने कैंप लगाकर वहां आए हुए लोगों को हेलमेट बांटे और यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा है कि हेलमेट लोगों की सुरक्षा और रक्षा करता है, ताकि हम लोग अपने को बचा सकें, इसलिए हेलमेट बांटे गए। मायरा फाउंडेशन की टीम से आए जमालुद्दीन पप्पू थापा और समाज सेवी अलीम सर और बॉबी तौसीफ आलम ने यहां पर कैंप लगाकर लोगों को हेलमेट बांटे, जिसमें लोगों ने उनकी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और वहां जमकर तारीफ की। हेलमेट बांटे गए, किस संस्थान को बांटे गए और क्या संदेश है? हमारे जिले के लोकप्रिय जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर साहब और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार के निर्देशानुसार जनपद जालौन में यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु हम लोगों को निर्देशित करके अंदर यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं और लोगों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें। इसी संदर्भ में मायरा फाउंडेशन के चेयरमैन शवाब हुसैन रिजवी ने निःशुल्क 75 हेलमेट पत्रकारों को, बीकेडी एलडीएच पब्लिक स्कूल में 65 पत्रकारों को, अन हमारे जो पत्रकार बंधु और समाज के गणमान्य व्यक्ति अधिवक्ता रह गए थे उनको हमारे मायरा फाउंडेशन के डायरेक्टर जमाल अहमद पप्पू थापा एवं तौसीफ आलम साहब के द्वारा आज सागर गेस्ट हाउस, सागर कमीशन मोबाइल के शॉप पर वितरण किए गए और हमारा हेलमेट वितरण करने का जो हेलमेट वितरण के संदर्भ में हम लोगों का उद्देश्य है कि हम और हमारे शहरवासी हेलमेट लगाकर चलें, यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। की ओर से हेलमेट बांटे गए, क्या संदेश देना चाहते लोगों को? मायरा फाउंडेशन के लिए माननीय कप्तान साहब, माननीय डीएम साहब के आदेश हुआ कि सुरक्षा को लेकर तो हेलमेट कितना ज़रूरी है, तो लोगों को पत्रकार जो हमारे बंधु हैं वो ज़्यादातर फोर व्हीलर को यूज़ नहीं कर पाते हैं, बाइक को यूज़ करते हैं। फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया कि जिले के मेरे जितने भी सम्मानीय पत्रकार हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो ये बीड़ा उठाया कि सारे लोगों को मुझे हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोनों ही काम हुए कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और हेलमेट जो नियमानुसार ज़रूरी है हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान को लगाने के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से कि उसकी जान सबसे ज़्यादा हिफाजत में है अगर वो हेलमेट से अपनी बाइक को चला रहा है। और मायरा फाउंडेशन हमेशा प्रशासन की जब भी कोई इस तरीके की सोशल एक्टिविटीज़ हुई या कोई भी सामाजिक कार्य हुआ, मायरा फाउंडेशन पूरी तरीके से उसमें हिस्सेदारी रखती है। चाहे 10/90 का प्रोग्राम हो, या फिर जालौन महोत्सव की बात हो, या फिर शिक्षा की दुनिया की बात हो, या फिर स्वास्थ्य की बात हो, मायरा फाउंडेशन हमेशा ऐसे कार्यों में अपनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करती है। अभी अभी लेटेस्ट में जैसे कि अभी इंदिरा स्टेडियम के अंदर वॉलीबॉल का एक बड़ी प्रतियोगिता की गई, तो स्पोर्ट की तरफ वकील साहब, आपको हेलमेट मिला है एक कंपनी ने और यातायात प्रभारी ने आपको हेलमेट दिया है, क्या संदेश देना चाहती है युवाओं को? ये सोसाइटी ने ये काम जो किया हेलमेट वितरण, बहुत अच्छा काम है। इससे समाज में और यातायात के नियमों का पालन करने का जो दृढ़ निश्चय लिया है, इसके लिए वो लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं और अपने मिलने जुलने वाले बच्चों को भी इस बात की शिक्षा दूंगा कि सड़क पर बाइक चलाते समय वो यातायात के नियमों का पालन करें और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें।